फ्रेंड्स सही बच्चे इंग्लिश के लिए रीडिंग बुक निकाल लें। रीडिंग बुक का पेज नंबर 25 निकाल लीजिएगा। 25 में यूज ऑफ ओवर एंड अंडर, ओवर एंड अंडर के यूज है। ओवर मीन्स होता है ऊपर, अंडर मीन्स होता है नीचे। रीड अलाउड हम नंबर 1 पढ़ेंगे। द अम्ब्रेला इज ओवर हर हेड। ओवर मीन्स हमने आपको क्या बताया था, ऊपर। तो ये जो अम्ब्रेला है ये देखिए उसके हेड के ऊपर है, हेड के ऊपर है अम्ब्रेला। द नंबर 2 में द लैम्प इज हैंगिंग ओवर द टेबल। लैम्प कहाँ टंगी हुई है, टेबल के ऊपर। नंबर 3 में द रग इज ओवर द स्लीपिंग चाइल्ड। ये देखिए बच्चा कारपेट के ऊपर सोया हुआ है, तो ओवर मीन्स ऊपर। नंबर 4 में द कैट इज अंडर द टेबल। कैट कहाँ पर है, टेबल के नीचे। अंडर मीन्स होता है नीचे। नंबर 5 में द रिवर इज अंडर द ब्रिज। नदी कहाँ बह रही है, कहाँ है नदी, ब्रिज के नीचे। ये देखिए ब्रिज के नीचे। द नंबर 6 में द काऊ इज अंडर द ट्री। काऊ कहाँ पर बैठी हुई है, ट्री के नीचे। काऊ कहाँ पर है, ट्री के नीचे। इसके बाद में आप जो है पेज नंबर 26 निकाल लीजिए। 26 में आपकी एक्सरसाइज दी हुई है। इसमें नंबर 1 में द शूज आर डेड डेस्क द चेयर। कहाँ रखे हैं शूज, चेयर के नीचे। तो नीचे के लिए हम क्या लगाएंगे, अंडर। तो यहाँ पर आप यू एन डी ई आर अंडर लिख दीजिए, यू एन डी ई आर अंडर। नंबर 2 में द सन इज डेड डेस्क द ट्री। सन कहाँ पर है, ट्री के ऊपर। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, ओवर, ऊपर के लिए ओवर, ओ वी ई आर ओवर। अब नंबर 3 में द गर्ल इज डैश द अम्ब्रेला। गर्ल कहाँ पर है, अम्ब्रेला के नीचे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अंडर, नीचे के लिए अंडर। नंबर 4 में द एरोप्लेन इज फ्लाइंग डैश द विलेज। कहाँ पर वो कर रहा है, वो एरोप्लेन फ्लाइंग कहाँ पर कर रहा है, विलेज के ऊपर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऊपर के लिए हमने क्या बताया, ओवर, ओ वी ई आर ओवर। नंबर 5 में द मैकेनिक इज डैश डैश द बस। मैकेनिक कहाँ पर है, बस के नीचे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे नीचे के लिए, अंडर, यू एन डी ई आर अंडर। नंबर 6 में द ब्रिज इज डेड डैश द रिवर। ब्रिज जो है रिवर के ऊपर है। रिवर देखिए नीचे है और ब्रिज कहाँ पर है, रिवर के ऊपर ब्रिज। तो हम ब्रिज ओवर लिखेंगे यहाँ पर। ये वाली एक्सरसाइज आप लोग कर लीजिएगा।